Good morning, learners. In today's session, we will discuss about types of intelligence according to A.L. Thorndike. First of all, I will introduce myself. I am Archana, assistant professor from NMS and Das PG College, Badang. So, types of intelligence according to A.L. Thorndike, यानी कि A.L. Thorndike ने जो types of intelligence दी हैं, उसको पढ़ने से पहले हमें A.L. Thorndike के बारे में पता होना चाहिए. तो A.L. Thorndike एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं. इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है. इन्होंने एनिमल बिहेवियर पे, लर्निंग प्रोसेस पे, लर्निंग थ्योरीज के फील्ड में बहुत सारा काम किया. अब A.L. Thorndike ने इंटेलिजेंस के बारे में ये बताया कि इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ एक जनरल एबिलिटी नहीं है. ठीक है, इंटेलिजेंस वॉजेंट अ सिंगल जनरल एबिलिटी, सिर्फ एक जनरल एबिलिटी नहीं है. इन्होंने क्या बताया कि अलग अलग फैक्टर्स मिलके इंटेलिजेंस को बनाते हैं, या इंटेलिजेंस अलग अलग फैक्टर से मिलके बनती है. ही प्रपोज थ्री टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि A.L. Thorndike ने तीन टाइप्स की इंटेलिजेंस दी है, जो कि है आपकी सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस. कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी हम कह देते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल इंटेलिजेंस की, फिर हम बात करेंगे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की, फिर हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की. इन तीनों टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को हम विद एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. अब इन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंटेलिजेंस. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैकेनिकल इंटेलिजेंस को हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस. तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्क्रीट क्या है. कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स, जो टूल्स है ना, जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं. सपोज ये आपको एक पेन दिख रहा है, अब इस पेन को हम टच भी कर सकते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं और इसको हम अलग अलग पार्ट्स में तोड़ भी सकते हैं ना, इसको बता सकते हैं कि इसका कलर क्या है. तो यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको कहा जाता है कॉन्क्रीट, है ना. तो अब ऐसे ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है, अब हम ये समझते हैं. जैसे कि अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड टूल्स, ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे इंडिविजुअल्स है ना, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं, बहुत अच्छे से उनको समझ लेते हैं, वो उनके अंदर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या मैकेनिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है ना. फॉर एग्जाम्पल, असेंबलिंग मशीन, फिक्सिंग डिवाइसेस और अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट सिस्टम ऑपरेट्स, है ना. तो अब इसे के मैकेनिकल इंटेलिजेंस उनके, इसे इंजीनियर्स होंगे, मैकेनिक्स हो गए, टेक्निकल प्रोफेशंस हो गए, इनके अंदर जो आपकी मैकेनिकल या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है वो पाई जाती है. अब हम डिस्कस करते हैं सोशल इंटेलिजेंस क्या है. सोशल इंटेलिजेंस यानी कि सामाजिक बुद्धि. सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं, कि ऐसे लोग जो लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, अपने अपने व्यूज को, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सोशल इंटरेक्शंस को मैनेज कर सकते हैं ना, तो ऐसे लोगों के अंदर सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है. अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे लीडर्स हो गए है ना, आपके काउंसलर्स हो गए है ना, जो सोशल वर्कर्स हो गए, इनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये ऐसे लोग लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं. इज दैट क्लियर. तो ये क्या हो गया आपका, सोशल इंटेलिजेंस हो गया. अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की. अब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जिन चीजों को हम देख, छू या फील नहीं कर सकते हैं, है ना, जो यानी आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके समझ सकते हो कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, है ना, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं. जैसे कि आपके आइडियाज हो गए, आपके थॉट्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं. तो इस तरीके की चीजें क्या होती है,
एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है ना। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस उनके अंदर पाई जाती है जो आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को, थॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से उनके अंदर एबिलिटी होती है समझने की। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, लॉजिकल रीजनिंग करना, है ना, अंडरस्टैंड थ्योरीज, थ्योरीज को अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीजें जो बहुत अच्छे से कर लेता है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जैसे कि फिलोसफर्स हो गए, है ना, फिलोसफर्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है। पोएट्स हो गए, उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है ना। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं इनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है ना। अब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का यूज कहाँ होता है, यूज्ड इन एकेडमिक सेटिंग्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोस। तो ये है क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। तो ईल थॉर्नडाइक ने तीन तरीके की इंटेलिजेंस दी, जो कि थी आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड मैकेनिकल या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक स्लाइड और मैंने दी है जिससे आप अच्छे से और समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, नंबर्स, लेटर्स एंड यूज देम इफेक्टिवली। इस तरीके से आपको ये पिक्चर्स भी दिख रही होगी। देन सोशल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पीपल। जैसे कि अभी मैंने अभी बताया कि ये इनके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की एबिलिटी होती है, वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। जैसे कि आपके टीचर्स हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, है ना, लीडर्स हो गए, है ना। तो ये लोग अपनी अपनी बात को बहुत अच्छे से लोगों के सामने रखते हैं, तो उनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है। वैसे ही आपके आ गया मैकेनिकल इंटेलिजेंस या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, है ना। इनके अंदर क्या, एबिलिटी टू इफेक्टिवली कंट्रोल योर बॉडी एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, डांस, गेम्स, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। इनके अंदर मैकेनिकल इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा इंजीनियर्स हो गए, है ना, तो इंजीनियर्स के अंदर मैकेनिकल इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू ईयल थॉर्नडाइक, जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और मैकेनिकल इंटेलिजेंस के बारे में चीजें बताई। इसके अलावा हमने शॉर्ट में ये जाना कि ईयल थॉर्नडाइक कौन है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने किस फील्ड में ज्यादा काम किया, और इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो थैंक यू सो मच।